वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें एक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और ये सिर्फ 27 जुलाई का शिफ्ट वन का क्वेश्चंस इसमें हैं आपके पास, ठीक है। तो जो भी इसमें क्वेश्चंस मुझे लगे कि शायद स्टूडेंट्स को टफ लगेंगे, मैं उनको बना के लाया हूँ, कुछ और तरीके अगर हो सकते थे तो उनको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल हमारा ये है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 6272। मतलब दो नंबर के क्यूब में या घनों के बीच का अंतर कितना है? 6 2 700, ठीक है। और उनके बीच का अंतर कितना है? 8। तो ये तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो प्लीज़ थोड़ा मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं कुछ कोशिश करूँगा उस तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा पहले देखिए आपको अंतर चाहिए, मतलब एक नंबर तो बड़ा होगा, तो एक नंबर जो भी होगा उसका क्यूब 6272 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप आसपास आइएगा तो किसका क्यूब आपको ऐसे मिल सकता है? जो सबसे आसान नंबर होगा वही ढूंढिएगा आप, 10 का क्यूब 1000, फिर उसके बाद जो सबको याद होगा वो होगा 20 का क्यूब 8000, ठीक है। तो 8000 से ये छोटा ही है, तो सिंपली आप क्या करें, 8000 से इसको घटा लेंगे 6272 को। तो जैसे ही घटाइएगा ये देखिएगा आपको 1278 आएगा, और ये एक्चुअली 12 का क्यूब है। तो एक नंबर आपका 20 मिला आपको, तो उसके बाद आपको दूसरा नंबर 12 मिला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। तो अब हमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर? तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9278 ये आंसर हो गया हमारा। अब तो ये हुआ कि हम अज्यूम करके बना लिए, अगर आपसे अजम्पशन से बन जाता है तो प्लीज़ आप अजम्पशन से ही बनाएं, क्योंकि ये टाइम कम लगेगा, बट इसके लिए प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी कि जब भी आप पहले ऐसे क्वेश्चंस देखें तो पहले आप अज्यूम करें, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 20 तक सारे, तब जाके आप देख पाइएगा। और अगर एजम्पशन से नहीं बनाना है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें दिया क्या गया है, हमें दे दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि 6272 है, और एक्स माइनस वाई जो कि आपका 8 है, ठीक है। हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज हमें पता होना चाहिए, जैसे पहला फार्मूला ये है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपका 6272 दिया था, x माइनस वाई आपको पता नहीं है, अच्छा ये पता है, तो ये हो गया 8 का क्यूब 512, ये हो गया 3xy, ये हो गया आपका 8। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे ला के, फिर घटाएंगे, तो xy प्लीज़ आप सॉल्व कर लीजिए, 240 आएगा, ठीक है। अब हमें ये पता है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि अब हमें चाहिए x, ये ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, और एक फार्मूला है इसका, आप कोई भी दो कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी फार्मूलाज हैं आप सारे फार्मूलाज को पहले याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो ये आप अगर प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हमें ये निकालना है किसी तरीके से, ये वाला पोर्शन। तो इसमें हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, एक्स वाई हमने निकाल लिए यहाँ पर, तो x plus y कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए अब एक फार्मूला मैं आपको और बताता हूँ,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई होता है। तो x प्लस वाई हमें पता नहीं है, बट ये पता है x माइनस वाई जो कि 8 का स्क्वायर है 64 इक्वल टू 4 इंटू 60, तो ये 240 प्लस 64 तो ये 324 होगा। तो x प्लस वाई, सॉरी ये 324 नहीं होगा, अच्छा एक्स वाई हमारा 240 था, मैंने गलती से लिख दिया वो, तो ये 240 होगा ठीक है। तो इसे अगर हम लोग ऐड करें 960 प्लस 64 1024, ये 32 का स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया 32 का क्यूब 3 इंटू 240 इंटू 32। बस इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही आएगा हमारा जो हमने, ठीक है। तो अगर एजम्पशन से बन जाता तो कितना जल्दी बन जाता, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एजम्पशन ट्राई करिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है किसी पेट्रोल का दाम 81% बढ़ गया है तो किस परसेंटेज से वो कंजप्शन घटाए कि वो उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा जाता था, बट पिछले साल एक बार फिर पूछा गया क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन एकदम पूछना एसएससी बंद ही कर दिया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन जब भी ऐसे कुछ आएगा कि इतना बढ़ गया है कितना कम किया जाए कि उतना ही रहे, तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ा वाला पार्ट उसको ऊपर लिख देंगे। अगर पूछा है कितना घटाया जाए तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे, अगर यहाँ पे होता कितना घट गया कितना बढ़ाया जाए तो इसे 100 से घटा के लिख देते, मतलब 19 लिखते और बटा इंटू 100 कर देंगे। बस इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि परसेंटेज में आएगा 44.75%। तो प्लीज़ ये आंसर्स मेरे पास है जिसके कारण से मैं तुरंत बता सकता हूँ, बट आप एक बार ज़रूर से ज़रूर डिवाइड करके कॉपी में देखे, आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे आप लोग। अगला है हमारे पास 2x प्लस 3y ठीक है इक्वल टू 16, हमें x इंटू वाई दिया हुआ 9, हमें 8x क्यूब 227y क्यूब निकालना है ठीक है। तो सेम फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले यूज़ किए थे वैसे यूज़ कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि 8x क्यूब और 27y क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फिर से फॉर्मूला, ठीक है, तो हो गया 16 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 18, 18 इंटू एक्स वाई कितना दिया 9, फिर से ये हो गया 16 ठीक है। तो अब इसे बस हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 102 की। अब थोड़ा अगर आपको याद नहीं है कैसे हो सकता है तो ऐसे कर सकते थे हम लोग, क्या करिएगा आप कि 16 कॉमन ले लीजिए, तो बच्चा 16 का स्क्वायर तो ये था 256 और यहाँ बचता 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 आपका 162 होता है, घटाएंगे 4 9 तो 94 इंटू 16, बस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो ये 1504 आएगा, और अगर आप इतना निकाल लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन में एक ही है जो किसी लास्ट में 4 है, तो वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये फिगर है, इस फिगर पे एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर वो है, कॉर्ड है दो या जीवा कह लीजिए ए बी सी डी जो कि पी पे कट रहा है, हमें ए बी मिल गया है, पी बी मिल गया है, सी पी मिल गया, हमें पी डी का लेंथ निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा ठीक है, जब भी मिलेगा तो इसको प्रूफ करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट आप ध्यान रखिएगा ए बी ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी, मतलब ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, देखिए ए बी दिया हुआ है 18 ठीक है, और पी बी दिया है 6, तो ए पी निकल जाएगा, 18 में से 6 गया 12, पी बी हमारे पास 6 है, सी पी हमारे पास 4 है, पी डी निकालना है तो 3 18 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है दो नंबर है जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा और अगर जोड़े तो 25 आएगा,
तो ये जो हमारे उस लॉजिक से हम लोग बना रहे थे कि अज्यूम करके, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अज्यूम बेस अगर बनाएंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपल फार्मूला, और एक चीज़ देखिए, एसएससी एक ही फार्मूला को यहाँ पे तीन बार यूज़ किया है, बस सबके जो वैल्यूज़ है, कोफिशियंट है, वो चेंज होते जा रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है इतना ज़्यादा कि ऐसे प्रोसेस आपको याद हो जाए, इसी प्रोसेस से इस सवाल को हमें प्रोसीड करना है, तो समझ में। अब बट एक रिक्वेस्ट आपसे, जब भी है आप एग्ज़ाम दोगे तो प्लीज़ क्वेश्चन पूरा पढ़िए अंत तक। तो फिर से बैठाएंगे फॉर्मूला, और अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये तो हमारा क्यूब्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये देखिए 25 का क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, बट 25 का क्यूब चले बहुत जगह वो थोड़ा कॉमन जैसा है, बट फिर भी जितना ज़्यादा आप याद कर पाइएगा उतना आपका बेटर है। और मैंने एक तरीका सिखाया था अभी कि 25 कॉमन ले लीजिए, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, और ये आएगा आपका 60। बस अब ट्रैक करेंगे 25 इंटू, तो 25 जाएगा, फिर 35 जाएगा, तो कितना बचेगा 565। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो 25 का क्यूब होता है 15625, और बाकी इधर आएगा आपका 1500, ठीक है, घटा के आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है, सोहन और अमित एक कार रेस स्टार्ट करता है फ्रॉम सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम ऑन द सर्कुलर ट्रैक। अब सर्कुलर ट्रैक है, दो लोग हैं सोहन और अमित, दोनों ने रेस लगाया, एक जो ट्रैक का लंबाई कितना है वो है 1125 मीटर, पहला का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का 54 किलोमीटर आवर। बोला कितने टाइम के बाद वो लोग पहली बार मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, और ये आंसर आपको सेकंड्स में देना है, मतलब हमें स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेना होगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो जैसे स्पीड घटाएंगे हम लोग, तो 54 से 36 घटाएंगे तो आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, 5/18 से, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमारा लेंथ कितना है 1125, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो आएगा 225। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर कौन सा है जो कि 526 से एग्जैक्टली भाग होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 526 से जो 5 डिजिट का सबसे छोटा संख्या उसे भाग करेंगे, तो क्या होगा 1 और 4 0, इसे हम लोग भाग करेंगे तो ये आएगा 526, 10 में से 6 गया 4, 9 से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये 0, ठीक है। तो 526 इंटू 8 कर सके, देख सकते हैं हम लोग 526 इंटू अगर 8 करेंगे तो ये आएगा 48, 16, 4168, ये एक्चुअली हम और ऊपर भी जा सकते हैं इससे, दस में 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 5 गया 4, ये 0। तो अगर इसमें हम लोग फिर ये कर लेते हैं 8 into 6 = 8, हैथ में 4, 16, ये गलती हो गई ना, देखिए 8 into 6 = 48, हाथ में 4, 16 4 20, हाथ में 2, और ये आता आपका 4208। तो इसमें और हम लोग ऐड कर सकते हैं 526, तो 4, फिर ये बचता आपका 374, मतलब एक्चुअली ये 9 टाइम में चला जाता, 4734, तो बचता कितना 6, मतलब इसमें अगर 6 और हमने ऐड कर दिया होता, सॉरी देखिए ये बड़ा चाहिए हमें, तो ये 6 नंबर, ये 6 वो किससे काटना था 526 से, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे कि 526 से कट जाए, 520, तो ये जो 520 यहाँ जोड़ेंगे इसको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आता 10520, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले, दो मोटरिस्ट है, मोटरसाइकिल वाले हैं,
वो एक साथ सर्टन कुछ जगह के लिए निकलते हैं, एक का स्पीड 4 है, अदर का स्पीड 6.5। डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इफ द मोटरिस्ट 4 किलोमीटर अराइव्स हाफ एन आवर आफ्टर द मोटरिस्ट अदर। मतलब बोला है, देखिए इसमें बोला क्या गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकाली कितना ट्रेवल हुआ है इफ जो 4 किलोमीटर का स्पीड से चल लेता है वो आधे घंटे लेट पहुंचता है आफ्टर द अदर मोटरिस्ट। जो अदर मोटरिस्ट है वो कितना लेट पहुंचता है, सॉरी अदर मोटरिस्ट जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है उससे आधे घंटे ये लेट पहुंचता है। मतलब दोनों का एक्चुअली जो टाइम होगा, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है, बस टाइम का कमी है, सिंपल। तो मान लेते हैं जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था उसने, उसका स्पीड 6 था और समय जो लग रहा था वो लग रहा था टी घंटे, तो इतना दूरी हो गया। जो 4 से जा रहा था वो आधे घंटे लेट पहुंचा है, तो उसमें समय क्या, उसको एक्स्ट्रा समय लगा, मतलब आधे घंटे एक्स्ट्रा, तो आधा घंटा मतलब होता है 0.5 आवर। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो 6t = 4t प्लस ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना ये 2, तो t = 1। t = पूछा कितना दूरी तय किया है, तो कोई भी किसे बिठाएंगे एक ही वैल्यू आएगा, ये 1 बिठाएंगे 6 आएगा, यहाँ भी 1 बिठाएंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया ए प्लस बी जो आपका 90 है, ए प्लस बी 90 मतलब एंगल सी जो होगा वो 90 होगा। ये सी, ये ए, ये बी, ठीक है। साइन ए बोला है, साइन ए मतलब साइन कितना होता है हमारा, पी बाई एच, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका एच, ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4। हमें निकालने क्या बोला है, 10 बी। तो अगर हम लोग इस एंगल को लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस हो गया ये, तो 10 कैसे निकालेंगे, पी बाई बी, तो 4/3 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला, अशोक एंड अनिल अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर दिस, मतलब अशोक और अनिल एक काम को लेते हैं जिसमें उनको पैसा मिलेगा दोनों को मिला के 4,500 रुपये। अशोक अलोन कैन डू द वर्क इन 8 डेज एंड अनिल 12 डेज विद असिस्टेंस ऑफ अमर दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। मतलब उन अमर भी उनके साथ आ गया और उन्होंने मिलकर काम को 4 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अमर का शेयर कितना होगा, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि सबका कितना कितना एफिशिएंसी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारे पास अशोक था, अनिल था और अमर था। ठीक है, तो इसमें तीनों, ठीक है बाद में करते हैं हम लोग। अशोक आपका 8 दिन में, अनिल आपका 12 दिन में और इनका हमें पता नहीं है अभी, और ये तीनों मिला के 4 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 24। तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, 24 के टोटल काम है, ये एक दिन में 2 काम करेगा और ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे। तो अगर ये दो लोग 5 काम कर दे रहे हैं 6 में से, तो ये कितना करता होगा, एक दिन में 1 काम। तो इसी रेशियो में पैसा बटेगा कि जिस रेशियो में काम करते हैं उसी रेशियो में पैसा भी बटता है। तो अमर का निकालें तो अमर का 1 आ गया, टोटल कितना हो गया 6 इंटू 4500, तो आ गया आपका 750। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि देखिए फिर से सेम प्रोसेस है, आपके पास ऐसा डायग्राम आपको दिख जाएगा, तो आप इसको इसको मल्टीप्लाई करिएगा और
इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यह ऐसे आप कॉम्प्लिकेट करके थोड़ा आपको ईडी निकालना है, तो आप देखिए ये दो ट्राइंगल पकड़ लीजिएगा, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। तो जब इस ट्राइंगल का पार्ट लीजिएगा तो इसको ऊपर रखिएगा, मतलब पहले इस ट्राइंगल से लेते हैं हम लोग, तो ए बी ऊपर आ गया। इस ट्राइंगल से इसके सामने वाले साइड को ले लेंगे तो यह जाएगा आपका ए डी, फिर इस ट्राइंगल से लेंगे तो आएगा ए सी, फिर इस ट्राइंगल से लेंगे तो आएगा ए ई, इस ट्राइंगल से लेंगे बी सी, इस ट्राइंगल से ई डी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दिए हैं बिठा लीजिए, ए बी आपका 9 है, ए डी भी आपका 9 है, ए सी ए 13, बी सी आपका 15 है, आपसे ई डी निकालने बोले तो किसी से बिठाइएगा 15 ही आंसर आएगा, ठीक है। जिस रेशियो में ये रहते हैं, अगर 1:1 है तो ये भी 1:1 ही होगा, ठीक है। बट मैं उनको सिखाने के लिए बताया, क्योंकि अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको फिर वो लिखना पड़ेगा ये पूरा। अगला क्वेश्चन बोले आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 पाई बाई 2 है, हमें थीटा 2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन थीटा 1 कितना है, 1/2, तो 1/2 कब होता है साइन 30 डिग्री में, ठीक है। तो थीटा 1 कितना हो गया 30, तो थीटा 2 कितना हो गया 60, सिंपल, बस 60 को कैसे लिखते हैं पाई में, पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 होता है। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, कॉट ए इक्वल टू 7/3 है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू 7/9, ये 3 आप बहुत लोग मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। तो इस कॉट ए को हम लोग क्या जानते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉस ए मेरा 7, साइन ए मेरा 9, ठीक है। तो बिठा सकते हैं 3 × 7, 2 × 9, 3 × 7 माइनस 2 × 9, तो जाएगा 21 + 18, 21 - 18, ठीक है। तो ये हो गया 39, ये हो गया आपका 3, तो ये आपका जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा एक काम को 3, 5, 15 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेंगे कि एक दिन में कौन कितना काम करेगा, तो मैन, वोमेन और बॉय, तो 3, 5, 15, एलसीएम लेंगे 15, तो एक दिन में 5 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 1 काम। अब बोला हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द जॉब इन 1/5 डे। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि अगर किसी काम को एक दिन में 15 काम करना है, ठीक है, तो पूछा गया है 1/5 काम करने के, 1/5 दिन में उस काम को करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 75 के अराउंड काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको, अगर एक दिन में 15 काम, हम लोग टोटल काम 15 है, उसे एक दिन में मतलब हमें उसे करना है, ठीक है। टोटल काम हमारे पास 15 है, सो अगर हमें अब कंप्लीट करना है 15 काम को, ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम लोग बेसिकली कर सकते हैं, तो ज़्यादा टफ है नहीं। तो अगर एक काम बेसिकली समझ लीजिए कि एक दिन में अगर हमें काम ख़त्म करना है, ठीक है, बट हमें क्या किया गया, समय कम कर दिया गया होगा। एक अगर मान लीजिए हमारे ऐसे सोचिए कि हमें दो काम करना था, ठीक है, एक दिन में हम दो काम कर रहे थे, बट हमारे पास टोटल काम 4 था। अब बोला कि आपको पूरा काम एक दिन में ख़त्म करना है, तो अगर एक दिन में दो काम करते तो 4 काम ख़त्म करने में 2 दिन लगता हमें, है ना। तो अगर उसको एक ही दिन में ख़त्म करना होता तो एक ही दिन में हमें 4 काम करना होता, तो ऐसे इसके हिसाब से हो गया। अगर 1/5 दिन में काम करना है
तो टोटल का हमें 75 करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला क्या गया, इस 75 काम में से आपके पास एक पुरुष है एक महिला है, तो एक महिला पुरुष आपका 5 काम करेगा, एक महिला आपका 3 काम करेगी, टोटल कितना 8 काम ये लोग कर देगी। तो 75 में से 8 काम अगर ये कर देंगे तो बच्चा 67 काम। तो एक टाइम पे एक बच्चा कितना करता है, एक ही काम करता है, ठीक है। तो 67 काम खत्म करने के लिए 67 बच्चे लगेंगे, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, जब इन छोटे का जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो अगर आपको नीचे दिखे, आपको अगर आराम से एलसीएम दिख रहा है किसी नंबर का, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर नॉर्मल डिवाइड करके आप आंसर ला सकते हैं, जैसा आपका मन करेगा। बट अगर आपको दिख रहा है कि एलसीएम है तो एलसीएम निकाल, जैसे इसका एलसीएम 6, 9, 12 का 36 होता है, ठीक है। तो ऊपर भी हमें सब जगह 36 करना है, नीचे सब जगह, तो 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। सेम चीज़ ऊपर कितना करेगा, 9 × 4 11 × 3 12 × 3 13 × 2 18 × 2। देखिए नीचे सब 36 हो गया, तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर देखिए 30 28 23 26। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, अर्धगोलाकार, उसका त्रिज्या आपको रेडियस दिया 7, उसको पेंट करना है अंदर बाहर। उसको पेंट करने के लिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 40 रुपए लगते हैं, तो टोटल पेंटिंग करेंगे कितना लगेगा। और बोला है कि आप मान लीजिए कि वो बॉल का चौड़ाई कुछ है ही नहीं, तो जितना क्षेत्रफल अंदर का होगा उतना क्षेत्रफल बाहर का भी होगा। तो अर्ध गोला का या हेमिस्फीयर का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr². अब अंदर 2πr², बाहर भी 2πr², तो दोनों को पहले जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4πr². आर का मान आपको 7 दे दिया गया, 7 का स्क्वायर, तो 4 × 22/7 × 7² तो ये 7 कट गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 616, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पैसे निकालने हैं। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 40 रुपए लगते हैं, तो एक का कितना लगेगा, 40/20, तो 616 कितना लगेगा, 40/20 × 616। 20 से कटाइए दो बार में, ये आपका आ जाएगा 1232, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, रीनी ने दो कलर को मिक्स किया, C1 C2 इन द रेशियो 2:3। अगर C1 जो कलर है 500 रुपए है और सी सेलिंग द मिक्सचर 650 रुपए में एट द ब्रेक इवन, ब्रेक मतलब ना फायदा नुकसान, तो व्हाट इज द रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ सेकेंड कलर, ठीक है। तो सबसे पहले से लिख लेते हैं हम लोग, C1 C2 ये 2:3 मिला गया, CN का दाम है 500 रुपए, इसे हमें पता नहीं है, इन दोनों को मिला के भेजा जा रहा है 650 रुपए में, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका अंतर, ₹150, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा x माइनस 150। देखिए यहाँ पे क्या, 650 माइनस हमने 500 किया था, तो हमने 150 लिख दिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 650 यहाँ कर देंगे। इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 2:3। तो बिठाइए, x माइनस 650 / 150 = 2/3, तो ये कटा 50 टाइम में, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 650 = 100, तो x = 750। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो मुझे लगा एक्चुअली टफ था, बट बाकी उसके बाद किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है जो मेरे से मिस हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि एक आपको सर्कल दे दिया गया है,
उसमें एक आर्क है आपका, ये ए बी है, ठीक है। और जो ए बी है, ये जो ए बी आपका, ये लेंथ, ये लेंथ, ये अगर आर है तो ए बी बराबर आपको 5 आर दे दिया गया है, आपको बोला है इसका निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें दो चीज पता है, इससे अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इंटू आर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी आएगा जो कि 5 आर है। तो थीटा कितना हो गया आपका 5, ठीक है, थीटा आपका 5 हो गया। अब यहां से हम लोग और सॉल्व करेंगे क्या, देखिए हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या पता है कि 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये ऐसे कर सकते। और आसान तरीका ये है कि 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, हमें निकालना है 5 आर इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर इंटू 5 आर। तो पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, ये 2 से कटा 2.5, तो 2.5 आर स्क्वायर, ये ज़्यादा बेटर है, ऐसे सॉल्व करिए आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 पाई आर मतलब एक पूरा, अगर इस पूरा सर्कल को लेंगे हम लोग तो सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो उसके लिए एरिया कितना होता है 5 आर स्क्वायर, तो अगर ये 5 आर है तो ये कितना होगा, बस यही करना था हमें। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।